हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर, तो आपको ले चलती हूँ मैं सरोजनी नगर। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर एक अंडरपास फ्लाईओवर बन चुका है, जिससे कि अब जाम से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी। ये रहा अंडरपास फ्लाईओवर, जो कि आश्रम से है। इस जगह को सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सामने दिख रहा है आपको नेहरू स्टेडियम, जहाँ पे काफी मैच वगैरह होते हैं, खेल उल होते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल खेल होंगे शायद, हम सब इंटरनेशनल खेल वगैरह यहीं पर होते हैं। ये रहा लोदी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमारे चाचा जी रहते थे, चाचा जी चाची जी, तो वो अब यहाँ से जा चुके हैं। तो पहले हम जब भी आते थे तो यहाँ पर पहले रुकते थे, फिर यहाँ से आगे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई है नहीं, तो हमने सोचा याद ताजा कर लेते हैं। हम यहाँ से अंदर होते हुए थोड़ा इधर से घूमते हुए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे था उनका घर, उनका मकान सरकारी था यहाँ पे। तो अब यहाँ से वो चले गए हैं, तो अब हमने सोचा एक राउंड मान लेते हैं एरिया का, यादें ताजा हो जाएंगी। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ये था यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर, जो कि शायद बन रहा है। अभी हम वहाँ जा रहे थे लेकिन ये सारा बंद हो चुका है। गेट बंद है क्या? हाँ, गेट बंद है क्या? ये मंदिर बन रहा है। अच्छा, ये रहा सरोजनी नगर। और ये हम जा रहे हैं पार्किंग में। यहाँ पर पार्किंग में ही गाड़ी लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से गाड़ी चोरी होने का काफी डर रहता है। तो इसलिए जब भी आओ 100 रुपए दे दो, लेकिन भाई पार्किंग में जरूर लगा लो अपनी गाड़ी। चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट। ये रहा मार्केट, ये अभी पार्किंग है, पार्किंग में हमने गाड़ी लगा ली है। तो चलते हैं मार्केट। मेरे पति देव अभी बाहर नहीं निकले। ये यहाँ पे है पार्किंग। काफी टाइम पहले की बात है, मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम। मेरे साथ यहाँ पे एक इतना बड़ा हादसा हुआ कि यहाँ पे मेरा बेटा गुम हो गया। और उससे कहीं पहले हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद तू यहाँ पे रुमाल बेचता नजर आए, और सच में वो गुम हो गया इतने में। तो फिर उसके बाद मतलब कि क्या हुआ होगा आपको पता ही है। फिर हम पुलिस के पास जा रहे थे, लेकिन इतने में ही देखा कि मतलब मेरे साथ मेरी दो ननद थी, तो हम ढूंढने लगे सारे के सारे। इतने में ही देखा कि मेरा बेटा किसी का हाथ पकड़कर, रुमाल बेच रहा था वो उसका हाथ पकड़कर ला रहा था उसे। तो मतलब फाइनली वो मिल गया था। फिर उसके बाद बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा सर दर्द हो चुका था तब तक। ये रहा मार्केट। यहाँ पे शाम के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, अभी फिलहाल बहुत कम भीड़ है। हम मार्केट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए। अभी यहाँ दुकान, काफ़ी दुकान बंद हो रखी है। अब पता नहीं कब तक खुलती है, तब तक हम घूम लेते हैं ऐसे ही। सुबह सुबह यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी है, शाम को तो बिल्कुल पैर भी नहीं रख सकते यहाँ पर। आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। तो है मदर डेयरी से ले लेते हैं अभी। ये रहा मॉल। ये देखो यहाँ से कार पार्किंग है, और ठीक सबसे टॉप में। बताओ सबसे टॉप में कार पार्किंग है। और यहाँ पे हो रही है चेकिंग। अब थोड़ा मॉल घूमकर आ जाते हैं। मार्केट बहुत घूम लिया, गर्मी भी बहुत हो गई। ये मॉल की तरह है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग शॉप हैं। हेलो, तो अब हम जा रहे हैं कटिंग चाय पीने, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं मार्केट घूम घूम कर, और धूप इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ, मेरा तो सर फटने लग गया है। तो अब चलते हैं, थोड़ा अंदर घूम लेते हैं। सामने ही आपको टेबल पे मिल जाएगा, देखो
लिख रखा है यहाँ पे सब, वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, मसाला सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फिलहाल हमने पीनी है चाय। चाय पीनी है? चाय पीना, फिर कुछ खाना है? मेरे पति देव कह रहे हैं चाय पीनी है कि क्या खाना है, अब देखते हैं। अभी ये बिल्कुल यहाँ पे मतलब जो सरोजनी नगर है उसके ही सामने है, तो मतलब अगर थक जाओ तो यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे भी घूम सकते हो, यहाँ पे भी अच्छा है। तो हम यहाँ पे मंगवा रहे हैं वेज पोहा, पोहा क्या बोलते हैं, पोहा पोहा कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो वो मैंने अभी तक खा नहीं रखा, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि टेस्ट किया जाए कैसा होता है, अभी तक खाया नहीं है। देखते, कहते हैं कि चावल से बनता है शायद, ये भी मुझे अभी पूरा पता नहीं, अब खाने के बाद ही पता चलेगा कैसा है क्या है। तो अब मेरे हस्बैंड लेने गए पोहा। ये रही कटिंग चाय। तो पोहा तो अच्छा था, लेकिन चाय मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो वहीं छोड़ कर आ गए और बोलकर भी आ गए कि बिल्कुल चाय घटिया थी एकदम। तो इन्होंने तो पी नहीं, लेकिन मैंने पूरी फिनिश कर ली। मैंने कहा 30 रुपए लगे हैं, पी लेती हूँ। तो हो चुकी है हमारी शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग की हमने, हम लोग ऐसे घूमने आ रखे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा घूमने का मन नहीं कर रहा, इसलिए अब चल जा रहे हैं। गाड़ी हमारी काफ़ी पीछे लग गई है, तो अब पहले गाड़ी हटाएंगे, हटवा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे यहाँ से। उस टाइम बिल्कुल खाली था, अब इतनी सारी कार लग गई है यहाँ पे, अब देखते हैं। अभी हटाने वाला आ रहा है, देखो कार हटाने का क्या तरीका है। भैया ने कार हटा दी है, अब हम जाएंगे। तो चलो चलते हैं। अब फाइनली हम कार में पहुंच चुके हैं, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी भाग रहे हैं, वरना अभी तो टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से 1:30 बज रही है, लेकिन अब चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो कार पार्किंग होती है वो मतलब घंटों के हिसाब से लेते हैं पैसे, जितने घंटे आप रहोगे उतने घंटे के हिसाब से वहाँ पे पैसे लेते हैं। जैसे कि हम आ गए थे, कितने बजे आए थे, 10:11, हम 10:11 बजे के करीबन यहाँ पहुँच गए थे, तो मतलब हमारे 60 रुपये लगे हैं, अगर और ज़्यादा लेट होती तो 100 रुपये ऐसे आ गए। यहाँ पे लेंगे मक्का, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है। एक देना, हाँ हंसी आ रही है आपको। तो यहाँ पे ले आया मैंने मक्का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को हो पसंद ना हो पसंद, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो आप सरिता बिहार जो अपोलो के आसपास ये जो मक्का देते हैं, बहुत टेस्टी होती है, मतलब बिल्कुल मीठी होती है। मैं जब भी लेती हूँ यहाँ से ही लेती हूँ, वैसे ऑलमोस्ट हर बार नहीं लेती मैं, लेकिन यहाँ पे तो लेती हूँ हर बार, मतलब और जगह नहीं लेती। तो यहाँ पे बहुत मीठी होती है, कभी खाओगे तो बताना ज़रूर कि मीठी थी कि नहीं थी, क्योंकि मुझे तो लगती है। और अब थोड़ा बगल वाली सीट से भी हाथ आ रहा है, थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ, तो मैंने कहा दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, देगा कर देनी। ये देखो, ये रहा अपोलो हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है ये भी। हम पहुंच चुके हैं घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।